आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह इस वक्त कुछ कह रहे हैं, उनको सुनते हैं। संसद में जेपीसी की मांग हुई कि मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई, जेपीसी बनाओ, अडानी की जांच कराओ, उससे ध्यान हटाना है, कभी इसी को इसको नोटिस, कभी उसको नोटिस, और अब जेल में डाल दो मनीष सिसोदिया को। वो अडानी जिसको नरेंद्र मोदी जी ने कोयला दे दिया, गैस दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, सड़क दे दिया, स्टील दे दिया, सीमेंट दे दिया, सीपोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, यानी आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ दे दिया, 2.5 लाख करोड़ का कर्जा दे दिया, 84,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया, और उस अडानी ने क्या किया हिंदुस्तान के साथ? बगल के मॉरिशस में 6 कंपनियां एक पते पे खोली, फर्जी कंपनियां, और 42,000 करोड़ रुपए का काला धन अपनी कंपनियों में लगाया। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप पिसे हुए तेल का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने तेल को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। और ऐसे ही तमाम करेबियाई देशों में फर्जी कंपनियां खोल के हजारों करोड़ रुपए अपनी कंपनी के अंदर लगाया। ये काला धन किसका है मोदी जी, पूरा देश आपसे पूछ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का काला धन है, मोदी जी आपका काला धन है, आपके अधिकारियों का काला धन है, या फिर आतंकवादियों का काला धन है? किसका काला धन है जो अडानी की कंपनी में लगाया? अगर इसकी जांच हो जाएगी तो नरेंद्र मोदी जी का चेहरा पूरे देश के सामने बेनकाब हो जाएगा, और इसी के कारण मनीष सिसोदिया का मामला उठाया गया है। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जो पूरे देश में सबसे बेहतरीन काम कर रही है, अनुकरणीय काम कर रही है, लोगों को फ्री बिजली देना, फ्री शिक्षा देना, फ्री स्वास्थ्य की व्यवस्था देना, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराना, जनहित के सारे काम करने के बावजूद मुनाफे का बजट देना, दरअसल यह गले की हड्डी बन गया नरेंद्र मोदी जी की। वो नहीं चाहते कि देश के अंदर एक ऐसी सरकार चले जो दुनिया और देश के लिए उदाहरण बने। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो कहती है हमें अरविंद केजरीवाल के स्कूल देखना है, मनीष सिसोदिया के द्वारा बनाए गए स्कूलों को देखना है। परेशानी यह है कि आज जो दिल्ली सरकार की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ रही है, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ रही है, उससे बौखलाकर यह कार्रवाई की जा रही है। ये तानाशाही की इंतहा है, मैंने कल भी कहा था, आज फिर दोहरा रहा हूं, और मोदी जी इस तानाशाही का अंत जरूर होगा, क्योंकि पूरा देश देख रहा है कि एक तरफ लाखों करोड़ की लूट करने वाला आपका मित्र अडानी है, जिस पे सीबीआई खामोश, सेबी खामोश, ईडी खामोश, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खामोश, उसके पोर्ट से, मुंड्रा पोर्ट से हजारों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई, सारी की सारी एजेंसियां खामोश, एक तरफ लाखों करोड़ का घोटाला करने वाला अडानी है, आपका मित्र अडानी है मोदी जी, जिसके खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं करते, और दूसरी तरफ लाखों बच्चों का भविष्य बनाने वाले मनीष सिसोदिया हैं, जिनको आप जेल में डाल रहे हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप पिसे हुए तेल का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने तेल को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। इसलिए लोग आपके साथ इंसाफ जरूर करेंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, यहां किसी की तानाशाही लंबे समय तक नहीं चल सकती। आप इन मुकदमों से हम लोगों को डरा रहे हैं, पता तो कर लीजिए आम आदमी पार्टी की हिस्ट्री। अरे हम आंदोलन की कोख से पैदा हुई पार्टी हैं, हम अडानी के नौकरों से नहीं डरते। मोदी जी अब हमें जेल का, मुकदमों का, FIR का, गिरफ्तारी का डर दिखाते हैं। कुछ भी कर लीजिए,
लेकिन आपके घोटाले को हिंदुस्तान के घर घर में पहुंचाने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। इसलिए जितना मुकदमा लिखना है लिखो, जितनी बंदर घुड़की दिखानी है दिखाओ। तो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को आप सुन रहे थे, कह रहे थे कि मोदी सरकार डर गई है इसलिए आम आदमी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अडानी पर कार्रवाई नहीं करती है मोदी सरकार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।